दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम की तो उसमें KGF और RRR तो जरूर ही आते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात कर रहे हैं इस साल की मास्टरपीस मूवी की तो उसमें दमन का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस उड़िया मूवी दमन, जिसको लेकर ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और तो और वहीं इस मूवी के मेकर्स भी बहुत ही छोटी मोटी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक भी बार मेकर्स ने खुलकर ना ही इस मूवी की रिलीज डेट और ना ही इस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर की रिलीज डेट अनाउंस की है, लेकिन उसके बावजूद भी फैंस हार नहीं मान रहे और तो और पूरे जान से इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मानना है स्टोरी इज द किंग और हम इस मूवी को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस मूवी की पूरी तरीके से डबिंग कंप्लीट हो चुकी है और तो और इस मूवी का पहला सॉन्ग जावेद अली डब कर चुके हैं। दोस्तों पहले आ रही खबरों के अनुसार इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज होना था, लेकिन दोस्तों आज 2 दिसंबर हो चुकी है और अभी तक इस मूवी के मेकर्स ने कोई भी अनाउंसमेंट इस मूवी की रिलीज डेट या फिर इसके ऑफिशियल ट्रेलर की रिलीज डेट को लेकर नहीं की है। लेकिन दोस्तों अब खबरें निकल के आ रही कि इसी वीक इस मूवी से कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, जो कि पता नहीं किस चीज को लेकर होगी, लेकिन हाँ जो भी होगी आपका दिल खुश कर देगी। दोस्तों जहाँ ऑडियंस को इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा पसंद आई, वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जिसकी मेन लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं उड़िया मूवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार बाबूशान मोहंती, जिनका इस मूवी में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते नजर आए दीपान्वित दशमोहा पात्रा। दोस्तों इस मूवी में स्टार्स के द्वारा की गई एक्टिंग अमेजिंग, विजुअल्स उससे भी ज्यादा अमेजिंग और कहानी तो सबसे ज्यादा अमेजिंग, और जब इतनी ज्यादा चीजें शानदार तो मूवी मास्टरपीस क्यों ही ना बने। दोस्तों जहां इस मूवी को 16 दिसंबर को हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में रिलीज करने की बातें चल रही है, तो उस हिसाब से तो इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर लगभग 10-15 दिन पहले रिलीज करना चाहिए। और अगर दोस्तों किसी कारणवश इस वीक इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर नहीं आता है, तो इसका मतलब साफ है कि इस मूवी को अगले साल यानी कि 2023 में ही रिलीज किया जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों इस मूवी के मेकर्स इसको लेकर बहुत ही जल्द खुलासा करने वाले हैं, तो जैसे ही इस मूवी से कोई भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साइड में दिया हुआ बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।